गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लाल बाग गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 8 के बच्चों का वेलकम करती हूँ अपने लाल बाग गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैक्टर के ही एक्सरसाइज को लेते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 5 की, जिसमें हम लोग का ए माइनस बी होल स्क्वायर का प्रयोग करते हुए समूह बना करके गुणनखंड करना सीखेंगे। या दूसरी सर्वसमिका है जो कि आप पहले से ही पढ़ चुके हो, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। या हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्वेश्चन हमने लिया है एक 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने किस तरीके से इस प्रश्न को किया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई भी सिंगल टर्म ऐसा नहीं है कि जो स्क्वायर में हो, या कोई लास्ट टर्म हमारा कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि x स्क्वायर के साथ भी 4 है और y स्क्वायर के साथ भी एक कांस्टेंट टर्म 9 है, मध्य वाला पद तो 12xy है। अब अपने क्या करना होता है, जब इस तरीके के सवाल हमारे सामने आते हैं तो जो स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं उनके जो कोफिशियंट होते हैं गुणांक, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशियंट है 4 और y स्क्वायर का कोफिशियंट है 9, तो 9 और 4 की मल्टीप्लाई कर ली हमने, हमारा मल्टीप्लिकेशन आया 36। अब 36 को इस तरीके से फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है कि जो मध्य वाले पद के बराबर आए। अब मध्य वाले पद के बराबर आने के लिए पहले 36 को गुणनखंड करिए, तो 36 का गुणनखंड 6 × 6 है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 12 × 3 = 36, 9 × 4 = 36, 4 × 9 = 36, बट हमको लाना इस तरीके से कि जो मध्य वाले पद के बराबर। तो हमने 6 प्लस 6 ऐड करा तो 12 आ गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 12xy है हमारा मध्य पद वाला, वो हमारा कैसा माइनस का है। तो हम जानते हैं कि जब कोई दो बीजीय व्यंजक माइनस में होते हैं तो वो जुड़ तो जाते हैं, प्लस तो हो जाते हैं, पर साइन किसका रहता है, माइनस का। तो आप ये देखिए, इस 12 को लाने के लिए -6xy - 6xy, तो ऐड हो जाएगा 12xy, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो इस तरीके से हमने मध्य वाले पद के गुणनखंड कर लिए, फिर हमने दो दो के पेयरिंग कर ली, नहीं समूह बना लिया। अब आप ध्यान दें तो इस 4x स्क्वायर में 2x निकल सकता है कॉमन और 6xy में भी 2x निकल सकता है कॉमन। तो 2x हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचेगा हमारा 2x माइनस 3y, 2 × 3 = 6 होता है ना, और x तो निकल चुका है तो 3y बचेगा। अब हम दूसरे वाले पेयरिंग की तरफ जाएंगे तो आप ध्यान दो तो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 = 9, तो दोनों पदों में y कॉमन निकल रहा है और 3 कॉमन निकल रहा है। तो हमने माइनस का 3y जब कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा बचेगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस। अब देखिए चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट में 2x माइनस 3y कॉमन आ रहा है, तो इनको हमने जैसे ही बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y हो जाएगा 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके सामने और लेकर आए 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट का जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है 36, लेकिन हम ध्यान दें तो यहाँ x स्क्वायर के साथ भी एक कोफिशिएंट है जो 25 है। तो जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया, फिर से एक बार बता दें कि 25 जो भी x स्क्वायर या y स्क्वायर के टर्म के साथ कोफिशिएंट के गुणांक होगा उसको और लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म को, दोनों को लेकर आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम देखते हैं 900 आता है। अब 900 को इस तरीके से हम दो गुणनखंड करेंगे जो हमारे मध्य पद के या तो उस इक्वल प्लस के इज इक्वल आए या माइनस के इज इक्वल आए। तो जब हमने देखा कि 900, देखिए बच्चों ट्रिक्स तो कई सारी होती है, प्रैक्टिस करने पर भी ये आपको आएगा धीरे धीरे, लेकिन आप सिंपल देखो 9 का जो टेबल होता है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 × 3 = 9 एंड देन आपको 900 चाहिए, तो 30 × 30 आपका क्या हो गया 900। अब आप 900 को देखते हो कि हमने इस वाले नंबर के साथ जब गुणनखंड किया तो 30 एंड 30 मिला।
अब आप फोकस करो तो 30 और 30 को प्लस कर दें तो हमें 60 मिल जाएगा। ठीक, तो कितनी आसानी से हमने इस नंबर के द्वारा अपने मध्य पद के बराबर गुणनखंड कर लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये बीजीय हमारा जो जोड़ या माइनस होता है तो उसमें चिन्ह का विशेष ध्यान रखा जाता है, चूंकि 60x प्लस का नहीं है, माइनस का है। तो जब माइनस माइनस की संख्याएं आपके प्लस होती है तो प्लस तो हो जाता है पर साइन किसका रहता है, माइनस का। सो हम जब 60 लाएंगे तो माइनस 30 तो आपका सम आ जाएगा 60, बट चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अब आप चूंकि सिंगल 30 नहीं है, एक्स भी है उसके साथ, तो वही सेम चीज हो जाएगी, माइनस 30x इज इक्वल माइनस 60x। तो हम देखिए इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिखेंगे, वो आपका रफ वर्क रहेगा, आपको समझाने के लिए पूरा बताया है। तो 25x² माइनस 30x और लास्ट वाला टर्म जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब हम समूह यानी इनकी पेयरिंग कर लेंगे, तो एक जोड़ा आपका ये बन गया और एक आपका जोड़ा ये बन गया। अब आप यहाँ ध्यान दो तो एक्स स्क्वायर में जब गुणनखंड होता है तो एक्स इंटू एक्स होता है, तो x बड़ी आसानी से बाहर निकल सकता है। और यदि हम देखें तो 25 और 30 दोनों का दोनों 5 की टेबल में आता है, इसलिए हम 5 बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा टोटल इन दोनों पदों में कॉमन आया 5x, तो अंदर क्या बचेगा, 5x माइनस 6। 5 5s are 25 and 5 6s are 30s। अब आपने साइन को कोई भी चेंजेस नहीं करने, जैसे हैं वैसे ही रखना। बट यहाँ पर क्या है, जब हम ब्रैकेट बनाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस लेंगे चिन्ह इसी के अकॉर्डिंग, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्लस की चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। अब अंदर क्या रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये 30 है, ये 36 है। आप यदि टेबल आपको अच्छे से लर्न है तो 6 के टेबल में मिल जाएगा, 6 5s are 30 and 6 6s are 36। तो दोनों पदों से हम बड़े अच्छे से 6 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा 5x और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो देखिए इस तरीके से देखा कि सेम हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, कॉमन 5x माइनस 6। और ये बच्चों ध्यान रखिएगा, आप लोग जब भी गुणनखंड करोगे और जब भी ये थर्ड स्टेप में आपके ब्रैकेट बनेंगे तो देखिए साइन हो या आपका कोई बीजीय व्यंजक हो, सब सेम आना चाहिए। यदि कहीं गलत आता है तो इसका मतलब है कि हमने ही कहीं गलती करी है, तो आप वहीं पर रीचेक कर सकते हो। अब आपने देखा कि दोनों ब्रैकेट हमारे क्या हो गए, सेम आ गए। तो 5x माइनस 6 को हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, इधर से बचेगा 5x सेम माइनस 6। अब आपका क्या हो गया, 5x माइनस 6 इंटू 5x माइनस 6, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 6 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सर्व समीकरण 2 a माइनस b के होल स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ मैं यहाँ पर एक्सरसाइज बंद करती हूँ, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों आप बाकी के सवाल करिएगा और फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।